राशि कोई नहीं है पब्लिक, हम अकेले घूम रहे हैं यहाँ पे आके। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, के हाल चाल है, ठीक ठाक है सारे? आज बैक है, लेकिन काफी अरसे बाद आप देख रहे होंगे मेरा ये चेहरा, ठीक है? ये देखे शानी भाई से पहले मुलाकात करें, शानी भाई इधर देख। असल में पब्लिक हमें अचानक एयरपोर्ट जाना पड़ गया, मामू आ रहे थे उन्हें लेने जाना है, तो मैं जल्दी में था तो कोई नहीं ब्लॉग बना सका, तो अभी गाड़ी में बैठ के ब्लॉग शुरू किया है, तो चलते हैं एयरपोर्ट और आपको एंजॉय करवाते हैं साथ और शानी के साथ, शानी भाई के साथ सलाम दुआ करा के शुगर लगाते हैं। शानी भाई सलाम दुआ करो भाई, इधर तो चले आपसे एयरपोर्ट जाकर मुलाकात होती है, रास्ते भी दिखाते हैं, ठीक है? सही है पब्लिक। पब्लिक फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए। मैं आपको बताता हूँ गाड़ी में शुगल क्या हुआ है। हमारे शानी भाई जिनकी मैंने आपको वीडियो दिखाई है, बड़े मजे से सो रहे थे, इधर देखे शानी भाई आप मजे से सो रहे थे, फिर क्या हुआ था? फेस ज्यादा खाना आपने लगाया हुआ था उसने, मैंने नहीं रमजान में ऐसी चीजें लगाई। मैं पब्लिक एकदम से बेस इतनी वो ऐसे ना एक किस्म की चीख की आवाज थी और इतनी अजीब सी बेस थी, वो बजी है और शानी एकदम सोया हुआ उठा के बस गए हम। जान है वो आपने वो लगाया हुआ था, अल्लाह अल्लाह कर मैं नहीं सी लाया, लगा हुआ था ना मेरी रूह काम की है कि रमजान में ऐसी चीजें याद। अल्लाह अल्लाह माफ करे, रूह उस वजह से नहीं कम ही, रूह जो एकदम बेस बजी है ना उसकी वजह से एक बार उठ के बैठा है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, सीन बड़े मजे का था वो भी मैं कर। राशि कोई नहीं है पब्लिक, हम अकेले घूम रहे हैं यहाँ पे आके, शानी साइड आ गया, हम गलत साइड पे आ गए, अभी शानी भाई को साथ लेके ना जरा
एयरपोर्ट में शुगर वगैरह लगाते हैं, ठीक है, घूमते फिरते हैं और आपको भी साथ एंजॉय करवाते हैं, सही है भाई? इधर आए ना, बता ना काला शशके मारने में केड़े पब्लिक। शानी भाई ना नहीं नहीं मनी है देख रहे हैं तो उसके कोई डायलॉग बोल रहे, बताना शानी भाई बोल ना। ये पढ़ लेना स्टॉक होम वाले का जो दम नहीं है। आयो पब्लिक, अभी फ्लाइट में टाइम है और हम घूम रहे हैं बस एयरपोर्ट सारा, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे। क्या हुआ, कुछ कहा है? नहीं, वो मौसम बड़ा प्यारा। अच्छा अच्छा, मौसम तो वाकई प्यारा है, अब हाल चल रही है। तो अभी हम इधर एयरपोर्ट के चक्कर चुक्कर लगा रहे हैं, देखते हैं अभी टाइम है। पब्लिक तो घर आ चुके थे, तो सीन ये हुआ था कि असल में रात को नींद बिल्कुल नहीं थी पूरी हुई, और रमज़ान में आपको पता है वैसे ही रूटीन कितनी डिस्टर्ब होती है, नींद कोई नहीं पूरी होती, तो नींद कोई नहीं थी पूरी हुई। घर आया हूँ तो रास्ते में कोई खास शुगर नहीं था लगा, इस वजह से कोई नहीं व्लॉग बनाया। तो रास्ते में उधर घर आया हूँ, आके तो सो गया हूँ, एक दो काम थे वो ज़रूरी करने थे करके सो गया हूँ। तो अभी अभी उठाऊँ तो शावर वगैरह लिया, फ्रेश हुआ, मैं सोचा पब्लिक को बुला के एंडिंग कर दें। पब्लिक पता क्या सीन है, असल में ना रमज़ान में इतनी डिस्टर्ब टाइमिंग है कि कॉलेज वगैरह जाना, कॉलेज से आना, कॉलेज से आने के बाद टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी करने का, और रोज़ा इतना शदीद और गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है इन दिनों। आज कुछ मौसम बेहतर था बल्कि इतना भी नहीं था, बस नॉर्मल ही एवरेज था, तो इस वजह से लेट व्लॉग आया। आई थिंक सो वीक से ऊपर हो गया व्लॉग को आए हुए। मैं कोशिश करूँगा कल परसों से ना दोबारा से व्लॉग आने शुरू हो जाएंगे, और अब तो आखिरी दिन है, फिर ईद का व्लॉग इंशाल्लाह आएगा, ईद के पे शुगर मेला वगैरह लगाएंगे, वो व्लॉग आएगा, वो आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा। तो आजकल मैं कोशिश करूँगा रमज़ान के दिन ना घर में ही ना व्लॉगिंग करूँगा, और आपको ना इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अपने पेरेंट्स विज़िट करवाऊँगा, जो मैंने घर में रखे हुए हैं ना वो सारे आपको विज़िट करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो ठीक है पब्लिक, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और रमज़ान है तो हमें भी दुआओं में याद रखना, अपने लिए भी दुआएं करना, और हो सकता है आपकी दुआएं कबूल हो जाए हमारे लिए तो दुआओं में याद रखना। तो फिर इंशाल्लाह आपसे होती है मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।